अब ऐस न्यूज लेके आया है कि अंदर तीन चार लड़के ऐसे हैं जिनके पास वेपन है, पिस्टल है उनके पास, गन लेके आया मैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा आपको मेरे गार्ड गुड बना रखना, मैं किसी पता तो रखना है, मैं नहीं रखता, कोई बात नहीं, जाना तो है मैंने अंदर, मेरे भाई वगैरह सारे साथ अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, पिक्चर लेनी है, वीडियो लेनी है। मैंने मॉल से निकल के यहाँ पर इसलिए किया ताकि मैं सबसे मिल सकूं, उन दो तीन पसौलों ने अंदर आई आने का मतलब है नहीं कि मैं अंदर जाऊँगा, मैं जाऊँगा भाई, ठीक है। किसने मारा मुझे बताओ, मेरे गार्ड नहीं मार सकते, इन्होंने मारा नहीं ना, इन्होंने मारा थी इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, लाहौर से, बहुत जगहों से माशाल्लाह, यहाँ तक के क्वेटा से भी, कश्मीर तक के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। वैस ऑडियंस में देखता है कि तीन गनमैन उसे नजर आते हैं, वो रजब भाई को आके बताता है, तो रजब भाई फिर बता रहे हैं कि किस तरह से तीन वहाँ पे गनमैन थे, क्या सीन था वहाँ पे, और ऐसे ही हुआ था, तीन गनमैन वहाँ पे देखे गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ, कोई मसला नहीं बना। जब देखो जो न्यूज है वो अच्छी नहीं आ रही, न्यूज अवैस लेके अवैस न्यूज लेके आया है कि अंदर तीन चार लड़के ऐसे हैं जिनके पास वेपन है, पिस्टल है उनके पास, गन लेके आया मैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा आपको मेरे गार्ड गुड बना रखना, मैं किसी पता तो रखना है, मैं नहीं रखता, कोई बात नहीं, जाना तो है मैंने अंदर, मेरे भाई वगैरह सारे साथ अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, पिक्चर लेनी है, वीडियो लेनी है। मैंने मॉल से निकल के यहाँ पर इसलिए किया ताकि मैं सबसे मिल सकूं, उन दो तीन पसौलों ने अंदर आई आने का मतलब है नहीं कि मैं अंदर जाऊँगा, मैं जाऊँगा सजरा सा मेरा मेरे तन भर से।
रजत भाई को पता था कि उनकी जान को खतरा है, उसके बावजूद भी वो ऑडियंस में गए, जाके सबके साथ पिक्चर्स भी बनाई, सबके साथ वीडियोस बनाई और उन्होंने जाके ये ऊपर पिकअप के ऊपर बैठ के सबको लंगर तकसीम किया। ये बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह क्या बात है। इस तरह कोई और अगर होता तो शायद ये 10 मिनट वेट कर ले फिर चलते लेडीज के साइड पे जाने। किसने मारा मुझे बताओ? सब गार्ड ने अंदर मेरे गार्ड नहीं मार सकते। इन्होंने मारा नहीं ना, इन्होंने मारा ठीक है। रजत भाई पानी तो अंदर से पानी लेके आना, आपको अंदर से ये पकड़ो जी। गनमैन का फिर पता नहीं चला कि वो कौन थे, कहां से आए थे और उनका क्या मकसद था, कोई पता नहीं चला एंड तक। अभी तक कोई पता नहीं उनका कि वो क्या सीन था, क्यों आए थे और क्या मकसद था उनका। तो वहां पे आपने जैसे देखा रश भी बहुत ज्यादा था और लोग वहां पे सुबह से आके बैठे हुए थे, दोपहर के भी आके बैठे हुए थे। जैसे कि आपने दूसरों के जो दिन में गए हुए थे उनके ब्लॉग में आपने देखा कि वो दिन को आके वहाँ पे बैठे हुए थे, दिन को भी रजत भाई ने चक्कर लगाया और शाम को रात को भी आए, वो ऑडियंस में भी गए आपने देखा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और बेल आइकन की घंटी की जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके भाई को भी आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका भाई आपके लिए खड़ा होगा, जितना होगा जितना कर सकेगा इंशाल्लाह उससे बढ़ के करेगा आपका भाई आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप लोगों का पहले जो है ना आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। जहाँ पर आपने दूसरे लोगों को सब्सक्राइब किया वहाँ पर अपने इस मासूम से भाई को भी सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।